वरमत नाज़रीन नाजिन हजरात मैं हूँ आपके साथ आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी नासन आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है मैं आपका इस्तबाल करता हूँ दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तमाम ज़रूरतों का लिहाज करते हुए ज़िंदगी के तमाम शोबों के असूल और कवानी बनाया है और इसी तरह इनफरादी खानदानी और समाजी ज़िंदगी के हर पहलू को मद्दनज़र रखते हुए बेहतरीन एक दस्तूर पेश किया है इंसान की इज्तमा ज़िंदगी की ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत उसका एक दूसरे इंसानों से ताल्लुक कायम करना है और जब इन इंसान अपने इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों से ताल्लुकात कायम करेगा तो यकीन उसका किसी न किसी के साथ गहरा रबता कायम होगा इसी बत और गहरे रबते को हमारे माशरे में दोस्ती के नाम से भी याद किया जाता है तो गोया दोस्ती इंसान की माशरती ज़िंदगी की अहम ज़रूरत में से एक है लिहाजा दिन इस्लाम ने इस रिश्ते और ताल्लक़ के हवाले से भी इंसानों और ख़ास तौर पर मुसलमानों की बखूबी रहनुमाई करते हुए उनके लिए मशअले राह का अहतमाम किया है हुजूर हज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने फरमाया कि मोमिन सराफ़ा उल्फत और मोहब्बत है और उस शख्स में कोई खैर और खूबी नहीं है जो ना तो दूसरों से महब्बत करें और ना ही दूसरे उससे मोहब्बत करें हजूर अकबर सल्ला वल्लम अपने दोस्तों और साथियों यानी सबा कराम रज़वानल् तजमीन से इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे और इस हद तक शफकत फरमाते थे कि हर एक ये महसूस करता था कि हज़ुर अकबर सल्ला वम सबसे ज़्यादा उसी को चाहते हैं इस्लाम में दोस्ती का मैार इस्लाम से मोहब्बत तकवा और परहेजगारी है क्योंकि इंसान की फितरी तौर पर दोस्ती उन लोगों से होती है जो उसके हम ख्याल हो इसी बिना पर यह मिसाल मशहूर है कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने और वक्त गुजारने का नाम ही ज़िंदगी है अगर दोस्ती में इसार और कुर्बानी और मोहब्बत की आजमाइश ना हो तो ये ऐसे ही है जैसे फूल तो हो मगर उसमें खुशबू ना हो दोस्तों से नफरत और बेजारी इंसान को तनहाई के ऐसे दलदल में फंसा देती है जिसमें वो उम्र भर मुकीद रहता है जब इंसान दोस्तों में मिलजुल कर रहता है और हर मामले में उनको शरीक करता है तो उसके नतीजे में बाज बाजावत उसको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचती है कभी उसके जज्बात को ठेस लगती है गर्ज मुख्तलिफ किस्म की अजियतें और तकलीफें उसको पहुँचती है जब कोई शख्स इन अजियतों को बर्दाश्त करता है तो उसके कल्ब में उससे जगह पैदा होती है अच्छे अखलाक नशो नुमा पाए पाते हैं उसमें तहमुल और बुर्दबारी ईसार और मोहब्बत हमदर्दी और शुजात के अला तरीन अवसाफ पैदा होते हैं वो इंसान कामयाब तसुर किया जाता है हुजूर नबी करीम अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुसलमान लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और उनकी तरफ़ से पहुंचने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है वो कहीं बेहतर है उस शख्स से जो लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों से बचा रहता है नबी करम सलील्ह व्लम का इर्शाद पाक है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है इसलिए हर आदमी को गौर कर लेना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है दोस्त के दीन पर होने के माना यह है कि जब वो दोस्त की सहबत में बैठेगा तो वही जज्बात और खयालात और वही जोक और रुझान उसमें पैदा होंगे जो दोस्त में है और नापसंद और पसंद का वही मैार उसका भी बनेगा जो उसके दोस्त का है इसलिए दोस्त के इंतबात में इंतहाई गौर वफिक्र से काम लेना चाहिए और कलबी लगाव उससे बढ़ाना चाहिए जिसका जोक और रुझान इफकार और ख़्यालत दीन और ईमान के तकाजों के मुताबिक हो सोहबत साले तुरा साले कुनत सोहबत ताले तुरा ताले कुनत अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छा बनाएगी और बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बनाएगी वजूर सल्ला वसलम ने ताकीद फरमाई कि मोमिन ही से रिश्ता और मोहब्बत इस्तेवाल करो और उसी के साथ अपना खाना पीना रखो आप का इशाद मुबारक है कि मोमिन ही के सोहबत में रह और तुम्हारे दस्तरखान पर परहेजगार ही खाना खाएँ हजू सल्ला वसलम ने अच्छे और बुरे दोस्त ताल्लुक की कैफियत को एक बलीग तफसील में यूँ बयान फरमाया है या मुश्क की खुशबू पाओगे लेकिन लोहार की भट्टी तुम्हारे कपड़े जला देगी या तुम्हारे दिमाग में उसकी बदबू पहुँचेगी हजरत उमरान बिन हत्ान रहमतुल्लि कहते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद में गया तो वहां पर हज़र अबू ज़र रज़ी अल्लाह तु चादर से घूट मारे अकेले तशरीफ़ में फरमा थे मैंने अर्ज़ किया ए अबू ज़र ये तनहाई क्यों इख्तियार क्यों ही है आप रजी अल्लाह तु ने फरमाया मैंने रसोल्ला वसम को फरमाते हुए सुना है कि बुरे दोस्तों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है और नक लोगों की सोहबत तन्हाई से बेहतर है और अच्छी बात का कहना खामोशी से बेहतर है जबकि बुरी बात करने से खामोश रहना बेहतर है हज़रत रजी अल्लाह तुश रिवायत है कि नबी करीम अलैहि वसम ने फरमाया कुरान करीम हर एक से ज़्यादा फजीलत वाला है जिसने कुरान करीम की तज़ीम की तो दर हकीकत उसने अल्लाह की तज़ीम की और जिसने कुरान करीम की बेकदरी की दर हकीकत उसने अल्लाह तला के हक़ की बेकदरी की कुरने करीम में अल्लाह तरमाते हैं ऐमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो उन लोगों के साथ रहो जो तकवा में सच्चे हैं अल्लाह तुम्हें भी तकवा अता फरमा देंगे आजकल के दोस्तों का मैार नेकी और तकवा नहीं रहा दुनियावी मफादात बेहुदा मज़ालिस लहो, लब और गुनाहों की जगह दोस्ती का मैार बन चुकी है वक्त गुजारी के लिए लोग एक जमा होते हैं जहाँ वो किसी की रिबत एबजोई बहतान, तराजी दिल आज़ारी और अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने फ़्रिय अंदाज़ में पेश करते हैं इन हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि अच्छा दोस्त अल्लाह रबुल्जत की बहुत बड़ी नियामत है जो किसी दूसरे दोस्त की पूरी जिंदगी के तमाम पहलू पर अपनी मोहब्बत के मुसबत असरा छोड़ता है और बुरा दोस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से कम नहीं है कि उसकी मौजूदगी एक अच्छी खासी शख्सियत को मशक कर कर रख देती है और दोस्ती सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए की जाए ना कि मफादात के, के हसूल के लिए खुदा तआला के महबूब बंदे वही हैं जो खुदा के दीन के बुनियाद पर बाहम जुड़ते हैं क़यादत के दिन पेज क़्यामत के दिन जब अर्श इलाही का साय के अलावा कोई साया नहीं होगा उस दिन जिन लोगों को अर्श इलाही का साया नसीब होगा उनमें एक किस्म के अफराद व आदमी होंगे जो महज अल्लाह ताला के लिए एक दूसरे के दोस्त होंगे अल्लाह ताला ही की मोहब्बत ने उनको बाहम जोड़ा होगा और इसी बिना पर वो एक दूसरे से जुदा होंगे अल्लाह अमल की तोफ़ीक़ा फरमाए आमीन अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो तो फिलहाल किस रिपोर्ट में बस इतना ही मुझे दी इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टी वी आपके मेजबान अब्दुलवाजिद के साथ अल्लाह हाफिज